हे दोस्तों, चलो एक गेम खेलते हैं। गेम बड़ा ही सिंपल है। अभी मैं आपको दो वर्ड्स बोलूंगा, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अब जैसे ही मैंने ये वर्ड्स बोले, आपके दिमाग में कौन आया? अगर कोई नहीं आया तो फिक्र मत करो। अभी आप सोचो कि आपके हिसाब से कौन है वो इंसान जिसकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है। कुछ मत करो, बस सोचो, ठीक है? सोच लिया? ठीक है, अब कमेंट करना है तो कमेंट कर दो, बट कमेंट जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि अब आप इस वीडियो की बातें, वो साइंस जो मैं आपको बताऊंगा, उसे आप चेक करना एज अ जज कि उस इंसान में जो आपके दिमाग में आया, उसमें इन साइंस में से कितनी साइंस, कितनी क्वालिटीज है। सारी साइंस, सब क्वालिटीज तो रेयरली किसी भी इंसान में होती है, लेकिन आई एम डैम श्योर इनमें से कई क्वालिटीज तो उनमें होगी ही। अगर नहीं तो एज अ जज आप इस वीडियो को एक बड़ा फेल डिक्लेयर कर सकते हो। बट कमेंट में नाम भी लिख के बताना कि क्यों मैं फेल हुआ, ठीक है? ऐसे नहीं, बिकॉज शायद मुझे भी और कुछ सीखने मिले। देखो, वैसे बात तो ये है कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि मैंने कई अलग अलग बुक के रेफरेंस से, जो मैंने इतने सारे सालों में पढ़ी है, उनके रेफरेंस से बात शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। कई बातें मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से शेयर करने वाला हूँ, और एकदम सीधी और सच बात बोलने वाला हूँ, बकवास बिल्कुल नहीं। तो अगर आपको ये सारी बातें सही लगेगी तो एज अ प्राइज आप सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ऐसे ही मैं बुक्स की प्लस मेरे एक्सपीरियंस की बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हर संडे शेयर करता हूँ इस चैनल पे, जो आपकी लाइफ में आपको अच्छे पैसे, अच्छे रिलेशनशिप, हेल्थ और हैप्पीनेस देने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आउटर पर्सनैलिटी वर्सेस इनर पर्सनैलिटी। देखो, पर्सनैलिटी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक आउटर पर्सनैलिटी और दूसरी इनर पर्सनैलिटी। आउटर पर्सनैलिटी वो होती है जो दिख के आती है, जिसके बेसिस पे ही मैक्सिमम लोग एक इंसान को जज करते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट लुक में। बट सच तो यह है कि आउटर पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग और पावरफुल जो चीज उसे बनाती है, वो होती है एक इंसान की इनर पर्सनैलिटी। कैसे? वेल, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। इस वीडियो में हम पहले आउटर पर्सनैलिटी के 5 साइंस को देखेंगे, फिर इनर पर्सनैलिटी के 5 साइंस को देखेंगे। और याद रखो, आउटर पर्सनैलिटी दिखने वाली चीजें होती है जो पावर दिखाती है, और मैं बातें घुमा फिरा के बकवास नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए ही ये शायद आपके लिए ऑब्वियस भी होगी। बट इनर पर्सनैलिटी वो जगह होगी जहाँ चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और सच बोलूं तो जब ये दो वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इस वर्ड पे जब मैंने सोचा खुद, तो मेरे दिमाग में जो इंसान आया, उसकी इनर पर्सनैलिटी की वजह से वो मेरे दिमाग में आया, ना कि आउटर। कौन है वो इंसान? वेल, शायद ही आप गेस कर पाओगे, बट फिकर नहीं, मैं सब इनर पर्सनैलिटी के पार्ट में बताऊंगा। बट उससे पहले लेट्स स्टार्ट विद आउटर पर्सनैलिटी। पीपल विद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यूजुअली आर दोज पीपल हु हैव पावर, एंड पावर कॉमनली कम्स फ्रॉम दिस 5 थिंग्स। नंबर 1, वेल्थ, स्टेटस। ये लाइन आपने कभी सुनी है कि जिंदगी एक संघर्ष है? लाइफ इज अ स्ट्रगल। बट किसकी स्ट्रगल? वेल, इट्स अ स्ट्रगल टू सर्वाइव। आप, मैं, दुनिया का अमीर से अमीर इंसान, गरीब से गरीब इंसान, हर कोई हर दिन बहुत सी चीजें करता है ताकि वो और उनकी फैमिली, जिसे वो बहुत चाहते हैं, वो सब अच्छे से लाइफ अपनी सर्वाइव कर पाए, जिंदा रह पाए। अब आप बताओ, आज की कैपिटलिस्टिक दुनिया में सर्वाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कचिंग, पैसा। हमेशा तो नहीं, बट 99% टाइम आप बोल सकते हो कि पैसा एक इंसान को सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करता है। एग्जाम्पल, आपने कई बार देखा होगा कि एक सेलिब्रिटी जैसे स्टेज 3 का कैंसर हो जाता है, पैसों की वजह से वो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रीटमेंट करा पाता है और बच भी जाता है। जबकि एक गरीब इंसान जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो कई बार छोटी छोटी बीमारियों से भी मर जाता है। इसलिए सच, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। और जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, वेल, आप उसको जाके बोलो कि भाई एक काम कर, 1 महीने बिना पैसे के रह के दिखा। कोरोना हो जाए तो बिना पैसे के ट्रीटमेंट करा के दिखाना। आई नो ये हार्श है, बट कभी कभी चिढ़ होती है जो लोग इतने इजीली बोल देते हैं ना कि यार पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कई बार स्टूपिड लगते हैं। बिकॉज पैसा, वेल्थ और जो स्टेटस पैसा देता है आपको, वो सब सर्वाइव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए पहला साइन भी है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाने का। सेकेंड, कनेक्शन एंड पीपल सपोर्ट। आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिशियंस लोग इतने स्ट्रांग क्यों होते हैं? कई बार वो लोग वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों से भी ज्यादा पावरफुल पोजीशन पर रहते हैं, क्यों? वेल, बिकॉज उन लोगों के पास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है, उनके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं दुनिया भर में और उनकी खुद की कंट्री में। अब ये तो हुई एक बात। अभी समझो एक इंसान है जो ज्यादा पैसे वाला नहीं है, लेकिन मान लो उसके जो कनेक्शन है ना, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से और दूसरे कई पॉलिटिशियन से या फिर कई स्ट्रांग बिजनेसमैन के साथ उसके कनेक्शन काफी अच्छे हैं। ना इससे भी थोड़ा और हटके और कनेक्टिंग लेवल पे देखे तो एक फ्रेंड ग्रुप में देखना, जिस लड़के की सबसे ज्यादा स्ट्रांग लोगों से पहचान होती है, यूजुअली वो लड़का भी पावरफुल लगता है। या इतना भी नहीं तो ये देखना, जिस लड़के की बातें या लड़की की बातें सारे दोस्त ज्यादा मानते हैं, वही ग्रुप में सबसे स्ट्रांग भी लगता है, राइट? क्यों ऐसा? वेल, बिकॉज जिनके कनेक्शन स्ट्रांग लोगों से होते हैं या फिर बहुत सारे लोगों के साथ भी स्ट्रांग होते हैं, वो लोग काफी पावरफुल लगते हैं। कनेक्शन लोगों को पावर देता है। इनफैक्ट कई लोग बोलते हैं कि पैसे से भी ज्यादा जो चीज पावरफुल होती है
वो होते हैं कनेक्शंस। आपको क्या लगता है क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा या फिर कनेक्शन? कमेंट करके बताना। साइन नंबर 3, फेम एंड स्पेशल स्किल्स। आपने कई बार ऐसे इंटरनेट पे देखा होगा जो लोग दिखने में शायद इतने अच्छे ना दिखते हो, बट स्टिल वो लोग की जो पर्सनालिटी होती है वो स्ट्रांग दिख के आती है बहुत से लोगों को। क्यों? वेल, बिकॉज वो लोग फेमस होते हैं। फेम कई बार स्ट्रांग कनेक्शंस बनाने में हेल्प करता है, पैसे कमाने में हेल्प करता है, इसलिए ये भी कई लोगों को स्ट्रांग पर्सनालिटी का टेस्ट देता है। सिमिलरली कई बार जो लोगों के पास ग्रेट स्किल्स होते हैं वो लोगों की पर्सनालिटी कई लोगों को स्ट्रांग लगती है, स्पेशली उस नीश के लोगों को जिनके अंदर उनकी स्किल्स बहुत अच्छी है। साइन नंबर 4, कम्युनिकेशन। जिन लोगों को अच्छे से बात करने आती है आप देखना वो लोग कई बार लोगों को बस अपनी बातों से ही इम्प्रेस कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना मतलब किससे कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, कैसे टाइम आने पे नो बोलना है, कैसे अपने ओपिनियन सामने रखने हैं लोगों के, ये सारी चीजें बहुत ही कम लोगों को करने आती है। बट जो लोगों को आता है यूजुअली वही लोग होते हैं जो अच्छे कनेक्शंस बना पाते हैं, स्ट्रांग लीडर्स, पॉलिटिशियंस बन पाते हैं, बिजनेस में काफी सेल्स निकाल पाते हैं, पैसे कमा पाते हैं। इसीलिए ग्रेट कम्युनिकेशन भी एक बड़ा साइन है जो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी लोगों को शो करता है। और अगर आप वो चीज सीखना चाहते हो तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की प्लेलिस्ट है जो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। उसके अंदर मैंने कई सारे ग्रेट वीडियोस बनाए हैं कई ग्रेट बुक्स की हेल्प लेके जो आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाने में आपकी हेल्प करेगी। साइन नंबर 5, फिजिकल लुक्स। अगर इंडिविजुअल लेवल पे अपनी हेल्थ की बात करें तो ये पॉइंट नंबर 1 पे होना चाहिए, बट बात जब सिर्फ स्ट्रांग पर्सनालिटी की आती है तो एकदम सच बोलूं तो आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग इतने हेल्दी नहीं रहते हैं, इतनी फिट लाइफ नहीं जी रहे होते हैं, फिर भी वो स्ट्रांग दिख के आते हैं। उनके फेम, उनका पैसा, कनेक्शन, कम्युनिकेशन और कुछ अलग रीजंस की वजह से जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और इसलिए ही मैंने इसे लास्ट में रखा है। बट लास्ट का मतलब ये नहीं है कि ये वेस्ट है, नहीं, बिकॉज यूजुअली जो लोग अच्छे दिखते हैं, जिनकी बॉडी अच्छी होती है, यूजुअली वो ज्यादातर लोगों को पसंद भी आते हैं, और जो लोग ज्यादातर लोगों को पसंद आते हैं लोग उनकी बातें ज्यादा मानते हैं, उनके भी कनेक्शन जल्दी स्ट्रांग बनते हैं, और ये सारी चीजें उनकी पर्सनालिटी को स्ट्रांग दिखाती है। कुछ मॉडल्स और कई सारे सेलिब्रिटीज कई बार बस इस एक चीज की वजह से पावरफुल और स्ट्रांग पर्सनालिटी वाले इंसान बन पाते हैं। अब जो 5 चीजें मैंने बताई है, आई एम श्योर मोर देन 90% लोगों ने जिसके बारे में सोचा होगा वीडियो के स्टार्ट में, उन लोगों के अंदर इनमें से कुछ क्वालिटीज तो आती ही होगी, राइट? वेल, अगर अभी तक आपको बातें सही नहीं लगी है तो वेट, अब ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है वीडियो में, बिकॉज हम बात करने वाले हैं इनर पर्सनालिटी की, जो आउटर पर्सनालिटी से कम ऑब्वियस होती है लेकिन ज्यादा पावरफुल होती है। इनर पर्सनालिटी, साइन नंबर 1। जब मैंने अपने आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछा जो आपसे पूछा था कि मेरे हिसाब से कौन है वो इंसान जिसकी स्ट्रांग पर्सनालिटी है, तो सडनली मेरे दिमाग में पिक्चर आई डेविड गॉगिंस की। डेविड गॉगिंस, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, वो इंसान है जिन्हें वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन अलाइव का टाइटल मिला है। क्यों? वेल, अगर सब रीजन बताने जाऊंगा यहाँ पे तो एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, बट अगर आप चाहते हो कि मैं उनकी बुक के ऊपर या उनके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए बस ऊपर से बताऊं तो डेविड एक लौते मेंबर है यूएस आर्म्ड फोर्स के, जिन्होंने अपनी सील ट्रेनिंग कंप्लीट करी थी 3 हफ्ते में, प्लस इसके साथ साथ उन्होंने अपनी आर्मी रेंजर स्कूल और एयर फोर्स टैक्टिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट करी है, जो तीनों चीजें और किसी एक इंसान ने भी नहीं किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने गिनेस रिकॉर्ड भी तोड़ा है 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप करने का। इसके साथ साथ उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक अल्ट्रा एंड्योरेंस रेसेस में भी पार्ट लिया है, जिनमें से कई सारे रेसेस में वो जीते हैं। जीते वो भी उन लोगों से कम्पीट करके जो दुनिया भर के सबसे टफेस्ट लोगों में आते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात देखने वाली है कि, और ऐसा नहीं था कि वो बचपन से ही बहुत एथलीट थे, नहीं, बचपन में वो बहुत मोटे थे, इवन ओबीस थे, बट स्टिल वो ये सब चीज कर पाए बिकॉज उन्होंने अपनी इनर पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाने में काम किया, उन्होंने उनकी मेंटालिटी स्ट्रांग बनाने में काम करी, जिसने फिर उनकी आउटर पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर दी। फेम, पैसा, बॉडी, कनेक्शन, उन्हें सब मिल गया बस इस एक चीज को करने की वजह से। इसलिए ही मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में भी बोला था कि इनर पर्सनालिटी जो होती है ना वो आउटर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज कई बार पैसा, कनेक्शन, बॉडी, ये सब चीज हो सकता है कि चले जाए, लेकिन अगर आपकी इनर पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी तो वो सब आप वापस अचीव कर लोगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रांग इनर पर्सनालिटी का जो पहला साइन है वो है एक स्ट्रांग मेंटालिटी होना। जिनकी मेंटालिटी स्ट्रांग होती है वो कई लोगों को बहुत स्ट्रांग दिखते हैं। साइन नंबर 2, 3C। आपने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी देखी है क्या? वेल, उसके अंदर जो हीरो होते हैं स्टीव, वो बहुत ज्यादा पतले, छोटे से और कमजोर से लगते हैं, इसलिए बहुत बार ट्राई करने के बाद भी उसका आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, बट फिर भी उसकी स्ट्रांग मेंटालिटी की वजह से और कई बार ट्राई करते रहने की वजह से, कंसिस्टेंट रहने की वजह से, उसे एक चांस मिलता है अपने आप को प्रूफ करने का एक एक्सपेरिमेंट के लिए, जहां वो नॉर्मल सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स बनाने वाले थे। नौ ये सिलेक्शन होने से पहले वहां के जो कर्नल होते हैं वो स्टीव को जरा भी पसंद नहीं करते, उनकी बॉडी की वजह से, आउट ऑफ पर्सनैलिटी की वजह से, और वो जरा भी नहीं चाहते थे कि स्टीव सिलेक्ट हो। इसलिए ये प्रूफ करने के लिए कि स्टीव कुछ काम का नहीं है,
वो क्या करते हैं कि एक फेक ग्रेनेड लेते हैं और उसे फेंक देते हैं उसकी तरफ और चिल्लाते हैं बॉम्ब। तो ऐसा करने पे क्या होता है कि उनके जो सारे स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें वो बहुत पसंद करते हैं उनकी आउटर पर्सनैलिटी की वजह से वो सब भाग जाते हैं, लेकिन स्टीव सीधा ग्रेनेड पे जंप करते हैं और अपनी बॉडी से उसे कवर कर लेते हैं ताकि वो अपनी जान दे के बाकी सबको बचा सके। और ये चीज पावरफुल होती है जो एक्चुअली उनका सिलेक्शन भी करवा देती है। नाउ मुझे पता है कि एक फिक्शनल स्टोरी है, बट अगर आप रियल लाइफ में भी देखोगे तो जिन लोगों के अंदर ये तीन सी होते हैं, मतलब करेज, केयर फॉर अदर्स और कंसिस्टेंसी, वो लोग हमेशा आप देखना स्ट्रॉन्ग इनर पर्सनैलिटी वाले लोग ही होते हैं। एग्जाम्पल, गांधी जी में करेज था, कंसिस्टेंसी थी ब्रिटिशर्स से लड़ने में, वो लोगों की जेन्युइनली केयर करते थे और इसी चीज ने उन्हें इतना ग्रेट लीडर, इनफैक्ट फादर ऑफ आवर नेशन बनाया। सिमिलरली आपको आपके पेरेंट्स का भी कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग लगता होगा बिकॉज वो लोग कंसिस्टेंट, कैरिंग और करेजियस होते हैं, एटलीस्ट आपके लिए। और यही चीज है दूसरी साइन। अब देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए बाकी बचे तीन साइंस मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। साइन नंबर 3, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान बोलेंगे, बट इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उनकी सोच की वजह से वो हमेशा दूसरों की तारीफ करते थे, लोगों में अच्छाइयां ढूंढते थे और लोगों को पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए एनकरेज करते थे, स्पेशली बच्चों को, और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा लोगों को पैशन पे काम करने बोलते थे, जो सारी चीजें दिखाती है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले इंसान थे, और इसी चीज ने फिर उनकी पर्सनैलिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाया। साइन नंबर 4, स्ट्रॉन्ग विजन। इलॉन मस्क आज इतने आगे क्यों बढ़ पाए? वेल, अगर आप बोलोगे कि यहाँ बहुत सारे रीजन है तो मैं बोलूंगा हाँ आप सही बोल रहे हो, बट एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है बिकॉज वो बहुत विजनरी इंसान है। उनके जो बड़े बड़े गोल्स है, जो विजन्स है, वो लोगों को शॉक करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि वो कितनी मेहनत से उन गोल्स पे काम कर रहे हैं, उसे पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये चीज लोगों को इम्प्रेस करती है और दिखाती है कि इलॉन मस्क एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला इंसान है, राइट? साइन नंबर 5, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन। कई सारे लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले रिलीजियस लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लगते हैं। क्यों? बिकॉज रिलीजियस लोगों के अंदर यूजुअली सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, जो आम लोगों के पास नहीं होता है। इसलिए जिनमें नहीं होता है वो कई बार उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कई लोगों को उनकी जो पर्सनैलिटी भी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख के आती है उनके स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से। नो, ये सारी बातें मैंने आपको कई अलग अलग बुक्स की हेल्प से बताई है, लाइक 48 लॉज ऑफ पावर, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इलॉन मस्क, यू कांट हर्ट मी, गोल्स, विंग्स ऑन फायर, थिंक एंड ग्रो रिच, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सारी बुक्स के ऊपर, सिवाय यू कांट हर्ट मी के, मैंने सब पे वीडियोस भी बनाए हैं, बुक समरीज बनाई है, जो आप देख सकते हो। इनफैक्ट मैं भी आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें मैंने गिनाई है, वो सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो मैं हमेशा रेगुलरली इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए ही, चाहे वो आउटर हो या इनर, उन्हें कवर करते हुए इंटरेस्टिंग बातें बताता रहता हूँ ताकि सारी चीजें आपको लाइफ में मिल सके। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था, अगर आपको ये बातें सही लगी है जो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं इस सारी साइंस के ऊपर और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजों के ऊपर, जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंसान को चाहिए, उनसे रिलेटेड मैं बेस्ट बेस्ट बुक्स ढूंढता हूँ, उन्हें पढ़ता हूँ, उसकी समरी बनाता हूँ, ताकि आपको बिना बुक्स पढ़े बुक्स की अमेजिंग नॉलेज मिलते रहे और आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो। और ये सब मैं फ्री में दे रहा हूँ, जिसके लोग कोर्सेज बना के बेचते हैं वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। एंड में अगेन एक बार याद दिला देता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।